गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट इन द ब्राउजर। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि हमें जावास्क्रिप्ट इन जनरल के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा और उसी के साथ साथ हम लोगों को जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में कैसे काम करता है इससे रिलेटेड बहुत कुछ सिखाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भाई, सो गाइस, अब टाइम आ चुका है चैप्टर 6 के प्रैक्टिस सेट का और यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग प्रॉम्प्ट फंक्शन टू टेक इनपुट ऑफ एज एज अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड यूज अलर्ट टू टेल हिम वेदर ही कैन ड्राइव ओर नॉट। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे समझो प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम क्या कह रही है। प्रॉब्लम ये कह रही है कि यार आपको सबसे पहले इनपुट लेना है, यूज़र से पूछना है कि उसकी एज क्या है। अगर वो 18 से ज़्यादा है, अब देखो यहाँ पर बताई नहीं गई ये बात 18 से ज़्यादा 18 से कम वाली। कभी कभी क्वेश्चन में आप लोगों को चीज़ें एज्यूम करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप 18 की जगह 20 भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25 करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ये कहोगे मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करूँगा तो वो बात गलत हो जाती है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी भी एग्जाम में बैठते हैं और ये चीज़ आपके साथ होती है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताई ये बात। ठीक है, मैंने लिखी नहीं जानबूझकर इसीलिए। तो यहाँ पर क्या है कि प्रॉम्प्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके आप लोग को एज को लेना है एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र। एक बार आपने इनपुट ले लिया यूज़र से, फिर उसके बाद आप लोग को पता लगाना है कि वो ड्राइव कर सकता है कि नहीं। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक रैपल बना रखी है 29th वीडियो की और इसको मैं नई टैब में खोल लूँगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे HTML लिखने का कोई काम है नहीं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे लेना है एज फ्रॉम द यूज़र और मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रॉम्प्ट और लिखूंगा एंटर योर एज। ठीक है, अब एज के अंदर जो है मेरे पास एज आ गई जो कि मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है। गाइज, इसको बिल्कुल भी मत भूलना, नंबर डॉट पार्स इंट एज आप लोगों को करना पड़ेगा। और अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो पार्स फ्लोट भी करना पड़ सकता है आप लोगों को, तो इस बात का आप लोग जो है ध्यान देना। ठीक है, ठीक है, और अगर आपने नहीं दिया ध्यान तो देखो भाई प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो यार, सो फार हमारे पास एज आ गई। अब मैं लिखूंगा एक फंक्शन और मैं लिखूंगा कैन ड्राइव नाम का एक फंक्शन जो कि एज लेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ कैन ड्राइव और मैं लिखूंगा अलर्ट, अरे ये मैंने क्या कर दिया, अलर्ट करूंगा और मैं लिखूंगा यस यू कैन ड्राइव। और वरना मैं क्या करूंगा, एल्स मैं यहाँ पर लिख दूंगा यू कैन नॉट ड्राइव। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा सबसे पहले अलर्ट को, यू कैन नॉट ड्राइव। ठीक है, यू कैन नॉट ड्राइव यहाँ पर मैं लिखूंगा। तो कैन ड्राइव एज किया मैंने अलर्ट येस यू कैन ड्राइव और उसके बाद लिख दिया मैंने अलर्ट यू कैन नॉट ड्राइव। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर कोई भी रॉकेट साइंस मैंने इस्तेमाल नहीं करी है, करूँगा तो बता दूंगा फ्यूचर में आप लोगों को। ठीक है, ये मुझे ब्रैकेट यहाँ पर बंद करना पड़ेगा इसका। और यहाँ पर एक बार एज के अंदर वैल्यू आ गई, एज मेरी इंटीजर में कन्वर्ट हो गई, इसके बाद मैंने कैन ड्राइव फंक्शन भी लिखना है। ठीक है, अब आप देखना कैन ड्राइव फंक्शन में कैसे लिखूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट कैन ड्राइव इज इक्वल टू एक फंक्शन। मैंने बताया था आप लोग को कि ये एक तरीका है फंक्शन को लिखने का और ये एज एज एन इनपुट लेगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा अगर एज ग्रेटर देन 18 है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तब क्या करो, रिटर्न क्या करोगे, तब रिटर्न करोगे ट्रू वरना फॉल्स। ठीक है, तब क्या होगा, ट्रू वरना फॉल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिटर्न एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ट्रू वरना फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं अभी आप लोग को ये प्रोग्राम चला कर दिखाऊँ रिलोड करके, एज इसने मांगी मान लो मैंने 56 किया येस यू कैन ड्राइव, मैं रिलोड करूँगा और मैं यहाँ पर मान लो 12 लिखता हूँ यू कैन नॉट ड्राइव। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक बात सेकेंड क्वेश्चन में जो दी गई है वो आप देखना क्या है। पहला क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है पहले वाले क्वेश्चन में। सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, इन क्वेश्चन वन यूज कन्फर्म टू आस्क द यूज़र इफ ही वॉन्ट्स टू सी द प्रॉम्प्ट अगैन। यूज़र से पूछो कि क्या वो दोबारा प्रॉम्प्ट देखना चाहता है, अगर देखना चाहता है तो उसको दिखाओ और उससे दोबारा ये क्वेश्चन पूछो। ठीक है, तो ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब हमें इस चीज़ को बार बार रन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बूलियन बनाऊँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा रन अगैन। ठीक है, और मैंने सिंपली उसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं कहूँगा व्हाइल रन अगैन। ठीक है, और मैं रन अगैन को ट्रू कर देता हूँ, यार रन अगैन ट्रू है, वाइल रन अगैन ये करते रहो। ठीक है, ये चीज़ क्या करो, करते रहो, और मैं सेव करूँगा ताकि ये फॉर्मेट हो जाए, तो इसको मैं ज़रा नीचे कर देता हूँ इस तरह से, कैंसिल, ओके ओके ओके, ओ ये इनफाइनाइट लूप में चला गया एक्चुअली, तो मुझे क्या करना होगा कि इसको ठीक करना होगा। यार मैं इसको रिलोड करता हूँ दोबारा से
और यहाँ पर मैंने लिखा 12, ओके यू कैन नॉट ड्राइव, ओके। अरे ये चला गया इनफाइनाइट लूप में। मैं यार इस फाइल को कैसे एडिट करूँ, मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे गाइस। तो यहाँ पे हुआ क्या मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर लिख दिया वाइल्ड रन अगेन, और ये वाइल्ड ट्रू है, और ये वाइल्ड ट्रू चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो यार मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा इसको ठीक करने का। सो गाइस बड़ी मुश्किल से मैंने इसको जो है रन अगेन को ट्रू को कमेंट किया। अब मुझे बहुत ध्यान रखना होगा वाइल्ड रन अगेन। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा रन अगेन इज़ इक्वल टू रन अगेन, मैंने किस तरह से लिखा है, रन अगेन इज़ इक्वल टू कन्फर्म डू यू वॉन्ट टू प्ले अगेन, ठीक है। और रन अगेन ट्रू या फॉल्स हो जाएगा इसके आधार पर। अब देखो अब ये चलेगा बिल्कुल सही। एंटर योर एज 34, और यहाँ पर ये क्या हुआ, कैंसिल करता हूँ इसको, ओके कैंसिल, यहाँ रिलोड करके फिर से खेलता हूँ। एंटर योर एज 56, ओके यस यू कैन ड्राइव, ओके डू वॉन्ट टू प्ले अगेन, नो आई डोंट वॉन्ट टू प्ले अगेन, ठीक है। अब देखता हूँ 67, यू कैन नॉट ड्राइव, ये क्या हुआ, लगता है मैंने कैंसिल कर दिया था। 67, यस यू कैन ड्राइव, ओके डू वॉन्ट टू प्ले अगेन, ओके यस यू कैन ड्राइव, ओके डू वॉन्ट टू प्ले अगेन, ओके यस यू कैन ड्राइव, ओके। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि जब डू यू वॉन्ट टू प्ले अगेन हो तो ये चीज़ मुझसे दोबारा पूछे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि रन अगेन करने पर कुछ ऐसा करूँगा और ये फंक्शन बाहर निकाल देता हूँ वाइल लूप से, ठीक है। इस फंक्शन का वाइल लूप में कोई काम नहीं है, ठीक है। कैंसिल करता हूँ भी, ओके कैंसिल, ठीक है। मैं बस थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना चाहता हूँ चीज़ों को। ये मेरा फंक्शन हो गया और ये मेरा वाइल लूप हो गया। यहाँ पर मैं इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटीजर में। और इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, इफ़ कैन ड्राइव एज अलर्ट यस यू कैन ड्राइव, एल्स अलर्ट यू कैन नॉट ड्राइव, रन अगेन इज इक्वल टू कन्फर्म डू यू वॉन्ट टू प्ले अगेन, ठीक है कूल। तो मैं इसको रिलोड करूँगा अभी और ये चलेगा। मान लो मैंने 90 कर दिया एज, उप्स मैंने गलती से कैंसिल दबा दिया, ओके आई वॉन्ट प्ले अगेन 90, ओके यस यू कैन ड्राइव, ओके यू वॉन्ट प्ले अगेन, ओके एज इज 5, ओके यू कैन नॉट ड्राइव। इट वर्क्स गाइस, इट वर्क्स, ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अद्भुत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस अद्भुतता के साथ। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन यूज कंसोल डॉट एरर टू लॉग द एरर इफ द एज इज एज एंटर्ड इज नेगेटिव, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगर एज किसी ने नेगेटिव डाल दी, इफ एज इज लेस देन 0, ठीक है, कंसोल डॉट एरर प्लीज एंटर अ वैलिड एज, ठीक है। और मैं प्लीज एंटर अ वैलिड एज करके क्या करूंगा, इस लूप को ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक का मतलब क्या होता है गाइस कि ये वाली आइट्रेशन जो है ख़त्म होगी और ये लूप भी ख़त्म होगा। कंटिन्यू का मतलब सिर्फ ये वाली आइट्रेशन ख़त्म होगी, ठीक है। कैंसिल करता हूँ इसको और रिलोड करके आपको दिखाता हूँ क्या मतलब है इस चीज़ का, ठीक है। एज 78, ओके यस यू कैन ड्राइव, ओके ओके एज -7। अब यहाँ पर आप देखना गाइस ये लूप ख़त्म हो गया और यहाँ पर प्लीज़ एंटर अ वैलिड एज रेड कलर से आ गया, कंसोल डॉट एरर मैंने कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैं कंसोल डॉट एरर कर सकता हूँ। बढ़िया यार, मज़ा आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन द प्रीवियस क्वेश्चन यूज कंसोल डॉट एरर, ये भी कर दिया हमने। फोर्थ वाला क्या राइट है, प्रोग्राम टू चेंज यू आर टू गूगल डॉट कॉम इफ़ यूज़र एंटर्स अ नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अगर यूज़र ने, अब मैं देखो इस चीज़ को कैसे करूँगा, मैं इसको रीनेम कर दूंगा और स्क्रिप्ट 1 कर दूंगा, ठीक है। और मैं एक और फाइल बनाऊंगा, उसका नाम मैं रखूंगा स्क्रिप्ट 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा, स्क्रिप्ट डॉट जे एस रखूँगा क्योंकि स्क्रिप्ट डॉट जे एस वो फाइल है जो कि इंक्लूडेड है, ठीक है। ये क्या हुआ, स्क्रिप्ट 1 ये आ गई, स्क्रिप्ट डॉट जे एस में ये क्यों आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। मैं वैसे भी इसको लेवरेज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि अगर किसी ने भी नंबर एंटर किया जो कि 4 से बड़ा है, ठीक है, मान लो मैं एज को नम कह देता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ नम, तब क्या होना चाहिए, रीडायरेक्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ तो मेरी ऐसे आ जाएगी, एंटर योर नंबर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा नंबर। और सेम चीज़ मैं करूँगा कि इसको कन्वर्ट कर दूँगा मैं एक नंबर में, ठीक है। ये क्या हुआ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल सा एक इफ़ चलेगा कि भाई अगर जो नंबर है, जो भाई साहब नंबर आए वो क्या होना चाहिए, अगर लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन 4 है,
तब क्या होना चाहिए, रीडायरेक्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा लोकेशन डॉट एच रेफ इज इक्वल टू एच टी टी पी एस कोलन डबल स्लैश गूगल डॉट कॉम, ठीक है, गूगल डॉट कॉम यहाँ पर लिख दिया मैंने, और इसको मैं सेव कर दूँगा। और इसको सेव करने के बाद सिंपली क्या करूँगा, रिलोड करूँगा इसको। नंबर ही मुझसे पूछेगा, मैं डाल दूँगा 4, 7 सॉरी, क्योंकि 4 से बड़ा है। गूगल डॉट कॉम पर आ गया मैं, कूल, ठीक है, नाइस, अमेजिंग। और यहाँ पर अगर मैं नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं डालता हूँ, मैं अगर मान लो 3 डालता हूँ, तब रीडायरेक्ट नहीं करेगा ये गूगल पे, ठीक है, विच इज़ कूल यार, ठीक है, बढ़िया। आखिरी क्वेश्चन कहता है कि चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द पेज टू येलो, रेड और एनी अदर कलर बेस्ड ऑन यूजर इनपुट थ्रू प्रॉम्प्ट। तो मैं सेम पेज का आपको करके दिखाऊंगा और इस एक्सरसाइज को फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट कलर इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रॉम्प्ट एंटर द पेज बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और ये करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल टू क्या कलर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल टू कलर मैंने यहाँ पर कर दिया। अब देखते हैं ये चीज़ काम भी करती है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो वो यही पूछेगा, नंबर मुझे छोटा ही एंटर करना पड़ेगा वरना हम चले जाएंगे गूगल डॉट कॉम पर, वो मैं चाहता नहीं। मान लो मैं यहाँ पर रेड करता हूँ, और आप देखो यहाँ पर पेज बैकग्राउंड रेड हो गया। मैं काम करता हूँ, इस चीज़ को कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, और इस चीज़ को भी कमेंट आउट करता हूँ, क्योंकि मैं सिंपली ये चाहता हूँ कि डायरेक्ट मुझसे पूछे बैकग्राउंड। मान लो मैंने येलो किया तो ये देखो येलो हो गया, ठीक है। मान लो मैंने सियान किया तो ये सियान हो गया, ठीक है। मान लो मैंने पर्पल किया, पर्पल हो गया, ठीक है। मान लो मैंने पिंक किया तो ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ बन चुकी है, ठीक है, तो पिंक हो गया। मान लो मैंने ग्रीन किया तो ये ग्रीन हो गया। मान लो मैंने मैजेंटा किया, अरे बस कर भाई, ये मैजेंटा हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज पसंद आई, और अगर आप लोगों ने अभी तक जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर से एक्सेस कर लेना, और इसको एक्सेस करके आप लोग बुकमार्क करना, इसको यहाँ क्लिक करके सेव भी कर लेना, और प्रैक्टिस सेट जो है पीडीएफ वगैरह सारी अपलोड कर दी जाएंगी, उनको भी ज़रूर से एक्सेस कर लेना, ठीक है। रैपल्स सारी आप लोग एक्सेस कर ही रहे होंगे, आई होप आप लोग को मैंने बता दिया। आप लोग replit.com/codewithari पर जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पर अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स का एक फोल्डर मिल जाएगा, आप इसको खोलकर सारी रैपल्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।